घर में इलेक्ट्रिकल वर्क करवाने से पहले क्या आपने मेक श्योर किया कि जो हमारे बाथरूम में गीजर लगने वाला है वो शॉक प्रूफ रहे, अगर कभी कोई करंट लीक हो जाए तब भी? या फिर इलेक्ट्रिशियन जो वॉल्स में वायर ट्रेवल करवाने के लिए जो झीरी कट करता है इस तरह से, उस टाइम वो काफी बार स्ट्रक्चरल मेंबर जैसे बीम और कॉलम को भी कट कर देते हैं, और ये काफी ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस है जिसकी वजह से आपके स्ट्रक्चर की ओवरऑल स्ट्रेंथ भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत भारी नुकसान पे करना पड़ सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसे हम आज इस वीडियो में जानेंगे। आज मैं आपको एक प्रॉपर चेकलिस्ट प्रोवाइड करूंगा कि किस तरह से आपका अगर नया कंस्ट्रक्शन है या फिर रेनोवेशन है, दोनों ही केसेस में इस चीज़ से आप डील कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोमेश कुमार एंड वेलकम टू रियल एस्टेट स्टूडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायर्स के बारे में। अब वायर्स हमें ब्रांडेड तो खरीदने ही है, पर साथ में हमें ये भी ध्यान देना है कि वो किस क्वालिटी के हैं। जैसे कि जनरली हम घरों में दो क्वालिटी के वायर्स यूज में लेते हैं, FR और FRLS। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जो FRLS वायर्स होते हैं FR के कंपैरिजन में काफी कम स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, जिसका फायदा यह है क्योंकि जब भी किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो डेथ का मेजर रीजन जो निकल के आता है उस ज्यादातर केसेस में स्मोक की वजह से दम घुट के लोगों की डेथ होती है। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए इन वायर्स के अंदर स्मोक बहुत ज्यादा कम प्रोड्यूस होता है, अगर किसी सिचुएशन में वायर में आग लग भी गई तो। और ओवरऑल देखा जाए दोनों ही वायर बिल्कुल सेफ, आप किसी को भी यूज कर सकते हो, पर अगर आप एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो तो आप FRLS की तरफ ही जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है MCB लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अब MCB लोड डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए जरूरी हो जाता है, नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन लोड डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑब्वियसली करते ही है, पर उसे प्रॉपरली करवाना ज्यादा जरूरी है। इसी की वजह से शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वायर्स में ओवरलोडिंग हो जाती है जिसकी वजह से वायर की लाइफ कम हो जाएगी, और एट द एंड इसकी वजह से आपके घर के जो अप्लायंसेस हैं उनकी लाइफ कम होगी। तो MCB लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो इसके लिए आप शुरू से ही प्रॉपर इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग्स बनवाइए लोड डिस्ट्रीब्यूशन की, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप इलेक्ट्रिशियन को बोलिए कि प्रॉपर MCB लोड डिस्ट्रीब्यूशन करे, तो और अगर पॉसिबल हो तो आप किसी अदर इलेक्ट्रिशियन को बुलवा कर उसे चेक करवा लेना, वो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है AC के स्टेबलाइजर्स, जो कि रूम्स में कुछ इस तरह से नजर आते हैं और सच में बहुत गंदे लगते हैं। इन्हें तो आप अवॉइड ही करना, मतलब लगवाना तो है हमें, पर इन्हें आप छिपा सकते हैं। आप शुरू से ही प्लान करके चलिए, अपने इलेक्ट्रिशियन से डिस्कस कर लीजिए, फिर आपके जो आर्किटेक्ट के डिज़ाइन हैं उन्हीं के साथ आप इनिशियली प्लान करके चलिए इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के अंदर कि इन्हें हम घर के किसी या तो एक स्पेस में एक साथ इंस्टॉल करते हैं जितने भी AC आएंगे उनके लिए, या फिर जो हमारा AC लगने वाला है उसी की बैक वॉल में हम इसे अगर पॉसिबल हो तो वहाँ हम इसे इंस्टॉल कर दें, रूम में बेसिकली नज़र ना आए, अच्छे नहीं लगते। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाथरूम में जो हमारे गीजर लगने वाला है उसे हम कैसे सेफ बनाएं कि अगर करंट लीक कर भी जाए तब भी हम सेफ रहें। इसके लिए सबसे ईजी तरीका यह है कि सबसे पहली चीज़ बाथरूम के लिए आप सेपरेट MCB लगवाइए, और उसी के साथ आप उसमें RCCB भी कनेक्ट करवा दीजिए। उसकी वजह से होगा क्या कि अगर करंट लीकेज हो भी जाता है तो RCCB इमीडिएटली ट्रिप कर जाएगी। RCCB का काम ही यही है, अगर कहीं भी पूरे सर्किट में करंट का लीकेज होता है तो ये इमीडिएटली ट्रिप कर जाती है। और एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, RCCB को आप घर के किसी अदर अप्लायंसेस के साथ कनेक्ट मत कर देना, क्योंकि अगर कहीं भी करंट का लीकेज होगा तो घर के लाइट्स को ट्रिप कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि लीकेज हो कर रहा है। पूरे घर में आप कहाँ चेक करोगे कि यहाँ है वहाँ है, इसलिए सिर्फ इसको आप बाथरूम में कनेक्ट करिए, ताकि हमें पता रहे कि गिनती के पॉइंट्स हैं यही इसके साथ कनेक्टेड है, अगर कुछ फॉल्ट है तो हम चेक कर सकते हैं। और अगर आपका इलेक्ट्रिकल वर्क हो चुका है या आप रेनोवेशन करवा रहे हैं, पूरी लाइन चेंज करवाना या RCCB को इंस्टॉल करवाना पॉसिबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, हैवेल्स की PCRD सॉकेट एंड एडेप्टर्स आते हैं, आप इन्हें यूज़ कीजिए, ये भी सेम वर्क करते हैं कि सिर्फ गीजर के साथ लग जाएंगे, या आपके घर में अदर अप्लायंसेस के साथ भी आपको इन्हें कनेक्ट करना है तो सेपरेटली उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और सेम बिल्कुल वैसा ही वर्क करेंगे, वायरिंग वगैरह कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है MCB का टाइप। MCB बहुत ज़्यादा टाइप की आती है। पहली चीज़ तो आप कैसे पहचानो कि वो MCB है, आइसोलेटर है, कुछ और है? सबसे सिंपल तरीका है, जब भी आप MCB परचेस करने जाओ उस पर बॉक्स पे या तो लिखा होगा MCB, इस तरह से आप कौन सी MCB लोगे, ये भी बहुत ज़्यादा टाइप की आती है, ABC, इस तरह से अलग अलग इनके वेरियंट्स आते हैं, कितनी लोड कंडीशन में कितनी जल्दी ट्रिप करेगी, इससे ये हमें पता चलता है। जो हम घरों में यूज़ में लेते हैं वो बी और सी टाइप की MCB यूज़ में लेते हैं, उस तरह से लिखा होता है। नेक्स्ट चीज़ है यूनिवर्सल सॉकेट। यूनिवर्सल सॉकेट इंपॉर्टेंट इसलिए है, आज के टाइम पे गैजेट्स आपको भी पता है कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो जहाँ पे आपकी स्टील टेबल या TV यूनिट है वहाँ पे एटलीस्ट एक आप यूनिवर्सल सॉकेट जरूर प्रोवाइड करो। नेक्स्ट पॉइंट है स्विच बोर्ड्स हमेशा स्ट्रेट लगे होने चाहिए। इसके लिए आप इलेक्ट्रिशियन को शुरू में बोल देना कि जो GI बॉक्सेस इंस्टॉल होने वाले हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट इंस्टॉल हो, आप उन्हें चेक करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन इनिशियली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमने तो आज तक कभी कहीं पर गड़बड़ की नहीं वगैरह वगैरह, पर होता ये है कि
कहीं ना कहीं वो एक दो स्विच बोर्ड को हल्का सा टेढ़ा लगा देंगे और वो जिंदगी भर आपको अनॉय करेगा। उसे रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट और आपको वो चीज़ हमेशा अनॉय करने वाली है, इसलिए इस चीज़ को भी आप जरूर, छोटी चीज़ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इथरनेट और कैमरा केबल। तो इन दोनों की जब भी आप घर के अंदर लाइन डलवाएं तो इसके लिए आप सेपरेट कंडक्ट से पाइप इंस्टॉल करवाइए, क्योंकि सेम ही पाइप जिसमें हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स जाने वाले हैं उसी में से इन वायर्स को निकाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। जब भी अगर इन फ्यूचर ये वायर्स चेंज करने पड़ गए किसी भी रीजन की वजह से तो इन्हें चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो शुरुआत से इनके पॉइंट्स मार्क करके कहाँ कहाँ पर आने वाला है, इनके लिए सेपरेट लाइन सेपरेट पाइप इंस्टॉल करवाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिशियंस जो इस तरह से स्ट्रक्चरल मेंबर्स को बीम कॉलम को कट कर देते हैं, इसे हम कैसे प्रिवेंट करें? इसे प्रिवेंट करने का बहुत ईजी तरीका है, आपके आर्किटेक्ट या डिजाइनर को आप शुरू में बोल दीजिए कि ड्राइंग के अंदर प्रॉपरली मेंशन करें कि अगर कोई भी कॉलम या बीम बीच में आ रहा है तो उसे अवॉइड करके हम किस तरह से वायर्स को ट्रेवल करवा सकते हैं। आपका कंस्ट्रक्शन किसी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप दो तीन चीज़ें कर सकते हो। जहाँ भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स आ रहे हैं जो कट हो सकते हैं, तो आप इलेक्ट्रिशियन को शुरू में बोल देना कि इन्हें अवॉइड करके अगर उस जगह पर फॉल सीलिंग हो रही है तो आप फॉल सीलिंग के थ्रू वायर्स को ट्रेवल करवाओ रादर देन स्ट्रक्चरल मेंबर्स को कट करके, की वजह से नुकसान ही होता है। जब भी वो ग्राइंडर चला के उसे कट करते हैं तो उसकी वजह से कई बार इवन सरिया तक कट जाता है, जो कि आपके स्ट्रक्चर के ओवरऑल स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा, तो उससे आप ज़रूर ध्यान रखें। सेकेंड तरीका यह है कि अगर फॉल सीलिंग नहीं है तो आप फ्लोरिंग के थ्रू पाइप ले जा सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं करंट आ जाएगा या ऐसा कुछ। थर्ड चीज़ है कि सिचुएशन ऐसी बन गई कुछ पॉसिबल ही नहीं है, काटना ही पड़ेगा, तो आप एक काम कर सकते हो कि कोशिश करना कि वो ग्राइंडर ना लगाए, जो हम छेनिया थोड़े से तोड़ते थे उसी तरह से आप उसको उस जगह पर धीरे तोड़वाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सरिया कट गया तो मान लीजिए वो कॉलम, तो पूरा कॉलम खराब हो सकता है उसकी वजह से, लिटरली आप अपनी सेफ्टी रिस्क में डाल रहे हैं इतनी छोटी सी चीज़ की वजह से। लास्ट पॉइंट है स्विच बोर्ड की हाइट्स। जो स्टैंडर्ड हाइट हम लेके चलते हैं स्विच बोर्ड्स के लिए होती है 42 से 48 इंच के अप्रोक्स फ्लोर लेवल से, और जो भी हमारे बेड साइड टेबल पे या काउंटर टॉप्स पे स्विच बोर्ड्स आते हैं वो उनकी मिनिमम हाइट होती है 4 से 8 इंचेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए हर वीक ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।